सॉरी अंकल जी, हाँ अंकल ही बोलते हैं ना भाई। हमारे गुरुजी ने रूल्स बनाए हैं ना कि सारे अंकल आंटी हैं, चाहे वो 5 साल का बच्चा है चाहे 5 साल की बच्ची है, सब अंकल आंटी है। तो आप सुनाए, आप कैसे गुरुजी से कनेक्ट हुए? अच्छा इधर ही आके हुए, मतलब दर्शन होते हैं आपको गुरु महाराज जी के? हाँ, दर्शन हुए। तो जैसे ही अमृत वर्षा की मतलब बताया जा रहा है कि अमृत वर्षा हो रही है, तो आप देखते हो अमृत वर्षा होते हुए? देखिए हमने। अच्छा यहाँ आके देखिए। तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। तो आपने कोई मन्नत नहीं मांगी गुरु महाराज जी से? नहीं मांगी। चलो जी, गुरु जी की कृपा है आप पे, सेटिस्फाई पर्सन हो आप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। और संगत जी मैं आप सबको बता दूं, जो भी अमृत धारा तस्वीरों से गुरु जी के स्वरूप में से निकलती है, तो एक बर्तन में एकत्रित करके हम उनके जल प्रसाद की बॉटल्स बना के रख लेते हैं। कोई भी ज़रूरतमंद हो, जैसे कोई बीमार हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, या कोई रोग बीमारी हो, या कोई टेंशन हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, तो वो ये जल प्रसाद लेकर अपने परिवार में चनामत के रूप में पी सकता है, पिला सकता है औरों को भी। जय गुरु जी। ये देख गुरु जी कैसे इसमें, ये वाले ये पोस्ट पोस्टर वाला सब रूप है ना, इसमें भी हो रही है अमृत वर्षा। ये देख, ये देख। जी जय गुरु जी। तो आंटी जी कब से जुड़े हैं आप? मेरे को हो गया 7-8 महीने। 7-8 महीने। तो कैसे जुड़े थे आप? बस फेसबुक पे देखती थी गुरुजी का स्वरूप, और एक मेरी भाभी हैं, उनकी वजह से मैं जुड़ी हूँ। वो हमारे घर आए थे, तो मेरे हस्बैंड बावे जाते हैं, तो उनके माथे पे तिलक लगा हुआ था, तो उन्होंने मुझे पहले बताया कि देखो ये ओम बना हुआ है। हाँ जी। ये गुरुजी का ही, वो मानते थे काफ़ी गुरुजी को। जी जी। तो मैंने भी देखा, तो मुझे भी लगा कि ओम बने हुए हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे, मैं उनके साथ जुड़ी, और तब से मैं जुड़ी हूँ। तो इस दरबार में ये जो गुरुद्वार हमारा बना हुआ है, जहाँ गुरुजी बैठे हुए हैं, इसमें आज आप पहली बार आए हो कि पहले भी? नहीं, पहली बार आई। पहली बार। हाँ, तो दर्शन हुए हैं आपको? हाँ जी, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, बिल्कुल साक्षात गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं। और जहाँ तक मैं देख रही हूँ, आपकी तो आंखों में आंसू भी आ गए। दर्शन इतने अच्छे हैं कि यकीन नहीं हो रहा कि हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। हाँ जी, ये गुरुजी बुलाने वाले हैं। हाँ जी, गुरुजी ने बुलावा भेजा। तो आपको लगता है सोशल मीडिया नुकसानदायक है ऐसे? नहीं, अगर सोशल मीडिया में ये वीडियो नहीं आई होती तो हम ये दर्शन नहीं कर पाते, और इतने धन्य नहीं हो पाते। मतलब मैं अपने आप को, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, मैं क्या बोलूं। नहीं आंटी, सच्ची में आप देख रहे हो। मेरा रोम रोम इतना खुश है, और मैं इस परिवार के लिए, इस बच्चे के लिए मैं इतना थैंकफुल हूँ कि ये सोए हुए थे और हमने इनको जगाया, और इनके चेहरे पे जरा भी शिकन नहीं थी। आंटी डे नाइट यहाँ पे मेला लगा हुआ है, और ये फैमिली कैसे सर मैं कर रही है, जब हम अपनी आंखों से आप देखते हो, तो वो चीज आप बता जी सकते जी हो। जी, एक सुनी सुनाई बात है, हम तो लाइव देख रहे हैं। जी जी जी, इतने प्यार से इन्होंने हमारा वेलकम किया है बेटे ने, तो बड़ा ही अच्छा लगा हमें। जी, तो साक्षात गुरु जी इस दरबार में मौजूद है, बिल्कुल है, तो इसके लिए कोई शक शुबा है ना, मुझे नहीं लगा। तो मतलब बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं, बहुत अच्छी प्रेगनेंस गुरु जी की आ रही है, और बहुत अच्छा फील हो रहा है। हाँ जी हाँ जी। तो आज कम से कम मेरे ख्याल में 21वां दिन है शायद, आज 22 दिन हो गए हैं। बस इसी तरह इनकी लीला में हम लोग रमे हुए हैं, और ये हमसे ये सेवा करा रहे हैं कि जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, वहाँ हम अपनी वीडियो के माध्यम से उन तक हम पहुँचा रहे हैं। तो कहीं कोई नुकसान तो नहीं है? नहीं, जिनको नुकसान लगता है वो मत आए जी। जिनको लगता है, अब हमने आज ही मॉर्निंग में आपकी वीडियो देखी, और गुरु जी ने हमें दोपहर को ही बुला लिया आपके पास। चलो जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी दर्शन कर लीजिए आज भी आप। बच्चे कैमरा ज्यादा मत हिलाना, थोड़ा ना स्टिल रखना कि सभी को दर्शन हो सके। तो ये देखिए गुरु जी के स्वरूप से ऊपर से हल्की हल्की सी अभी ये बूंदे गिरना शुरू हो गई हैं, सामने ही सामने, देखते ही देखते आंखों के सामने। तो कुछ भी गुमराही जो हमें नाम दिया जा रहा है कि हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो संगत जी जिनको लगता है हम गुमराह कर रहे हैं, तो वो यहाँ आके लाइव देख सकते हैं, गुरु महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं। और ऐसे शब्द हमें बोलने ही नहीं चाहिए, महापाप है ये शब्द बोलना। क्यों करेंगे भाई, हम किसी से पैसे थोड़ी ले रहे हैं। ना ना, ना बिल्कुल खाली, यहाँ पे 1 रुपया नहीं चढ़ता है, 1-5 रुपए नहीं चढ़ते हैं। इवन मेरे घर का थोड़ी जो मैं पब्लिसिटी करूंगी, मैं खुद इनके घर पे आती हूँ, और मैं डेली ब्लॉगिंग करती हूँ, और मैं आज से नहीं कर रही हूँ, मैं पिछले साल से कर रही हूँ। तो गुरु जी ने काम सौंपा है, तो हम लोग कर रहे हैं। तो ये देखिए संगत जी,
हमें किसी भी बात किसी भी विषय में चर्चा अब नहीं करनी। आज से हम गुरुजी के सामने प्रण लेते हैं कि हमें किसी भी टॉपिक पे कोई चर्चा नहीं करनी, बस हाँ गुरुजी जो आप हमें दिखाएंगे जब तक हमारी सांसों में सांस है वो हम संगत तक पहुँचाएंगे, जो संगत यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना दात्या। तो ये चरणों से बह के जल थाली में कितना ज़्यादा एकत्रित हो गया है संगत जी, और बहुत सारी संगत ऐसी है जिनको नहीं पता होगा। तो संगत जी मैं आपको बता दूं, ये बापू जी का स्वरूप है, गुरु जी के पिताजी हैं, जिनका देहांत परसों मॉर्निंग में इनका देहांत हो गया। ये बीमार थे काफ़ी देर से, और एक नर्स ने इनका सत्संग भी शेयर किया था कि कैसे वो नर्स ने गुरु जी को आपने भी सुनी ये स्टोरी। हाँ, वो अपने हेड अटेंडेंट से साइन करवाने आई थी छुट्टी के लिए। जी जी, पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने बोला कि ये मेरे गुरु जी हैं। तो उन्होंने बोला ये तो मॉर्निंग में मैंने इनको देखा है, वहाँ पे इनके पिताजी का नाम लिया निर्मल सिंह। निर्मल सिंह, वो उन्होंने कहा वो बीमार थे, तो उन्होंने बोला मैं निर्मल सिंह हूँ, मैं उनका पता लेने आया हूँ। व्हाइट जीन्स और शायद ब्लू टॉप पहनाया शायद, एग्जैक्टली याद नहीं है। जी जी, तो उन्होंने बोला कि मुझे तो इनके साक्षात दर्शन, ये तो आए हुए थे अपने बापूजी से मिलने के लिए। मतलब इन शॉर्ट की मीडिया के थ्रू हमें ये बातें सब पता चल रही हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मीडिया से ही पता लगा। जी, तो मीडिया बहुत ही फायदेमंद है, बस हमें आना चाहिए कि हमें उसे किस तरह यूज करना है। तो संगत जी आज बापू जी का तीसरा दिन है ना, कल उनका संस्कार हुआ था, परसों उनकी डेथ हुई थी। तो हे गुरु महाराज, हे परमेश्वर, जहाँ भी ये बापूजी के हों वहाँ इनका स्वर्गों में वास हो। इनका हाथ हम बच्चों के सिर पे हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक ऐसे अद्भुत लाल को पैदा किया है जो इस दुनिया में ना होते हुए भी दुनिया को तार रहे हैं। और गुरुजी ने कहा था मैं कल भी हूँ, मैं आज भी हूँ, और हमेशा मेरी गद्दी पर कोई नहीं बैठेगा, मेरी आत्मा, मेरा रूप, मेरी जो ब्लेसिंग्स है हमेशा उस दरबार में रहेंगी। और आज तक हम लोगों को वो सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं संगत जी। तो बहुत सारे लोग मेरे वर्ड्स भी सुनते हैं कि ये कब गलत बोले, तो भाई मैं इंसान हूँ, कुछ ना कुछ मेरे से भी गलत निकल जाता है मुंह से। मैं कोई बुक पढ़ के ना कोई स्टोरी वो पढ़ के नहीं आती, यहाँ पे जो मुझे दिखता है गुरुजी मुझसे बुलवाते हैं, मैं वही बातचीत करती हूँ आपके साथ संगत जी, आप तक वही पहुँचाती हूँ। तो कोई भी छोटी छोटी मिस्टेक को ना देखते हुए मेरे ये गुरुजी के अद्भुत दर्शन के नज़ारे लो आप घर बैठ के, जो जहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ये भी स्वरूप देख कितनी ज़्यादा अमृत वर्षा हो रही है, इस पर क्लोजअप करके दिखाती हूँ, ये देखो। और आज 21-22 दिन हो गए हैं ये लगातार अमृत वर्षा होते हुए, और हम लोग जम्मू के लोग कितने भाग्यशाली हैं कि गुरुजी इतने अद्भुत दर्शन दे रहे हैं। और मैं तो कहती हूँ कि वो दर्शन ना भी दे तब भी यहाँ पे साक्षात गुरुजी विराजमान हैं। गुरुजी हमें दर्शनों की बिल्कुल भी कोई लोड नहीं है, समझ रहे हैं आप गुरुजी, आप हमारे लिए हैं, हम आपके बच्चे हैं, हमसे कोई गलती होती है तो हमें क्षमा करना दाता। तो बहुत ही दूर दूर से संगत आती है और अपने दुख तकलीफ़ों को दूर कर रही है। और एक आंटी भी है ना आंटी, आज उनको भी बुलाना, दर्दें ठीक हो गई आंटी उनकी। जय जय गुरु जी, 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 धन धन 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 गुरु जी, बाह बाह 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 गुरु जी, शुक्राना 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 दात्या अनंतम शुक्राना। हम सबको अपने पास बिठाने का शुक्राना, हमारी दुख तकलीफें दूर करने का शुक्राना, हमारे कष्ट मिटाने का शुक्राना। हम जैसे बच्चों को हम क्या बोले गुरुजी, नादान बच्चे हैं आपके, और अपने इन बच्चों को हर पल अपना एहसास कराने का शुक्राना, हमें दर्शन देने का शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना दात्या, हर पल शुक्राना। हमने नहीं देना, वो गुरुजी जवाब देंगे उनको। किनको? जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं करने दो, कोई टेंशन नहीं गुरुजी, हमें कोई टेंशन, हम सच्चा, हम एक सच्चे सुच्चे दरबार में बैठे हैं, तो हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप क्या बोल रहे थे, आप भी कुछ बोल रहे थे पानी। तो संगत जी 3 बार गुरु मंत्र जाप भी हो जाए तो चलो मिलके हाथ जोड़ के करते हैं। ध्रुव बेटा, ध्रुव बेटा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा, एक मिनट गुरुमंत्र जाप होने लगा है। ठीक है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा
सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। शुकराना गुरु जी। शुकराना गुरु जी। तो इस दरबार से कोई भी नहीं जाएगा खाली। लाखों लोगों की यह तकलीफें दूर हो रही हैं। एक हमारे पास ही आंटी हैं संगत जी, जो बिल्कुल मैं कहती हूँ लेट लेट के चलती थी, और आज वो खुद अपने पैरों पे खड़े होकर यहाँ दरबार पे मत्था टेकने आती हैं। आई हैं वो आंटी ध्रुव? आई हैं। आंटी को बुला लूं? बुला। कोई आधे घंटे तक आएंगे आंटी। तो कोई बात नहीं, तब हम उनकी वीडियो बना लेंगे। तो सीमा आंटी आप सुनाओ, आपकी कैसे दर्द ठीक की गुरु महाराज जी ने? मेरे को ब्लेसिंग मिली थी संगत जी, वो ब्लेसिंग लेके मैं अनुराधा के साथ जा रही थी उसको फ्रेम कराने के लिए। जब मैं जैन मसाले वाले की दुकान के पास पहुंची तो मेरी चीखें निकल गई कि मेरी बाजू किसी ने तोड़ दी है। घूम के ऐसे मेरे आंसू, मैं वही खड़ी की खड़ी चौक में रोने लग पड़ी। फिर भी मैं रोती रोती गुरुजी के स्वरूप को फ्रेम कराने के लिए ले गई। जब मैं घर आई मेरी बाजू पीछे भी नहीं जाती थी। उस दिन से आज तक मेरी बाजू में कभी दर्द नहीं हुई। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और ये मेरे साथ का लाइव सत्संग जो मासी ने शेयर किया, मैं ही अनुराधा, मैं ही इनके साथ ही। अच्छा, एक और सत्संग है, एक और सत्संग है। हाँ जी सुनाओ। वो ना यार एक दिन ना कोई मंगलवार सत्संग हुआ था पिछले, पीछे मंगलवार हुआ था, तो क्या नाम है वो ना आंटी आई थी रात को कोई 11 बजे, पता नहीं तालाब तिलो से आई थी वो आंटी। वो आंटी मेरे को बोल, आंटी को ना मैंने प्रसाद दिया, उनके अंकल को ना उस दिन 450 शुगर थी। अच्छा, इट्स ट्रू। आप ट्रस्ट करो, नहीं नहीं करो, नहीं क्यों नहीं करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या बोलते हैं 450 उसकी शुगर थी। उसको मैंने पतासा होता है ना पतासा, वो मैंने ना उसके उसके हस्बैंड को वहाँ से, वो बोलते हैं वहाँ से ना जो अमृत वर्षा वाला उसके अंदर ना मिक्स करके इनको दो। उन्होंने आप मानोगे, उन्होंने जैसे ही पिया ना वो अगले दिन भी दोबारा आए। वो बोलते हैं उनकी शुगर सीधा डाउन होके 89 पे पहुंच गई है, बिल्कुल लिमिटेड, बिल्कुल बराबर शुगर। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। उसके बाद कुछ खाया ही नहीं, बोलती इतनी पॉजिटिविटी आई जब मैं आपके घर में आई थी, जो सारी नेगेटिविटी थी मेरे अंदर वो सारी दूर हो गई, इतना अच्छा वो बता रही थी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अपनी रहमतें ऐसे ही बरसाते रहना सब पे। हमारी जैनी है ना, जैनी है, मैंने आपको बताया था, पता चला था आंटी वो, अब उसके पहले हमने आपको सुना था उसके हाथ। जय गुरु जी। संगत जी बैठ जाइए। संगत जी जय गुरु जी। वो बोल नहीं सकती थी, अब वो अच्छे से बोल रही है। और क्या चाहिए गुरु जी, और क्या दे हमें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। पहले वो बोल नहीं सकती थी। तो ऐसे बड़े ही चमत्कार लोगों के साथ मिरेकल्स हुए हैं, सभी के पास बहुत सारे सत्संग हैं। तो आप में से है कोई शेयर करेगा अपना सत्संग? करेगा शिफाली दी, आप कर दो सत्संग अपना शेयर। जय गुरु जी। जय गुरु जी। कोई है तो संगत जी, जो जो हमारे पास सत्संग होते हैं गुरु महाराज जी के, तो टाइम टू टाइम हम आप तक पहुँचाते हैं, ताकि आपके ये खैर विश्वास जगाने वाली बात नहीं होती, खुद ब खुद विश्वास बनता है। तो संगत जी बहुत ही सारे चमत्कार गुरु जी कर रहे हैं, हर प्रकार की परेशानियों से मुक्त कर रहे हैं लोगों को हमारे प्यारे गुरु महाराज। और संगत जी मैं आपको बोल दूं, आज फिर से मैं एक बार रिपीट बता देती हूं कि जल प्रसाद की बॉटल्स हमारे पास हैं, अगर किसी को भी कोई दुख तकलीफ है तो वो जहां से आके जल प्रसाद ले सकता है। और जो भी एड्रेस है इस घर का तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो मेरे साथ एक बार जोर से बोलिए सब, जयकारा शेरा बालिदा बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा हम सबके प्यारे गुरु महाराज जी का बोल सांचे दरबार की जय। जी सब लोगों के पास उनके अलग अलग व्यूज हैं, गुरु जी के सत्संग हैं और इतने बड़े बड़े सत्संग हैं। संगत जी अगर मैं इतने बड़े बड़े सत्संग डालने लगी वीडियोस में तो मेरा ब्लॉग कम से कम 2-2 घंटे का हो जाएगा, तो आप लोग मुझे मारोगे। प्लीज इनका चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं और इनको आगे बढ़ाएं। आप लोग मुझे बोलोगे इतने बड़े बड़े ब्लॉग्स क्यों बनाती है, तो संगत जी जितना मेरे से छोटा हो सके मैं उतना करके आप तक लेके आती हूँ। और मैं
ज़्यादा छोटा कर भी नहीं सकती, क्योंकि अगर किसी ने अपना सत्संग शेयर किया है तो वो आप तक ना पहुँचे तो फिर क्या फ़ायदा। ब्लेसिंग्स हमें भी मिलेंगी, सुनने वालों को और सुनाने वाले को भी। तो इसलिए गुरुजी हर तरह से हम सबको कर रहे हैं ब्लेस, अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, हमारी दुख तकलीफें दूर कर रहे हैं, अपने दरबार पर बुला रहे हैं, हमें दर्शन दे रहे हैं। तो ऐसे गुरु जी को छत छत प्रणाम हमारा, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, टाटा बाय, मिलेंगे कल अपने नए ब्लॉग में।